दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज में। हम फिर आपके लिए उपस्थित है अपडेट व अलर्ट न्यूज के साथ। हम बात कर रहे हैं आज की उन तमाम बड़ी खबरों की जिन पर बनी रहेगी सबकी नजर। साथ ही जानेंगे आज का मौसम पूर्वानुमान, आज के सोने व चांदी के भाव और अन्य अपडेट व अलर्ट न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह अलर्ट न्यूज। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, वो बेल आइकन दबाएं जिससे आपको इसी अपडेट व अलर्ट न्यूज मिलती रहे। तो पहली अपडेट आपके निकल कर आ रही है मौसम विभाग से, skymetweather.com से। संपूर्ण भारत का 11 अगस्त 2018 का मौसम पूर्वानुमान। देश भर में बने मौसमी सिस्टम के बारे में जानते हैं सबसे पहले कि कैसा बना हुआ है पूरे देश में मौसमी सिस्टम। दोस्तों चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अब उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश पर स्थित है और मानसून की अक्षीय रेखा जो है वह उत्तर पश्चिम राजस्थान से पूर्व केंद्रीय बंगाल की खाड़ी तक पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश झारखंड और उड़ीसा होते हुए फैली हुई है। एक अन्य चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण पूर्व राजस्थान और इससे सटे क्षेत्र पर बना हुआ है। एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण पूर्व अरब सागर और इससे सटे लक्षद्वीप पर देखा जा सकता है। तटीय आंध्र प्रदेश पर पश्चिम केंद्रीय बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र चिन्हित किया जा सकता है। तो यह था देश का मौसम सिस्टम। आप जानते हैं कि देश में पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज किया गया मौसम। दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान केरल, मध्य प्रदेश, दक्षिण राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक या दो स्थानों पर भारी के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई है। दक्षिण पूर्व राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, तटीय आंध्र प्रदेश, कोंकण और गोवा, केरल, उत्तर ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और तटीय तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश देखी गई है। गुजरात, विदर्भ, आंतरिक कर्नाटक और उत्तरी हरियाणा में कई जगहों पर हल्की बारिश हुई। और अब जानते हैं आने वाले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा पूरे देश का मौसम। दोस्तों आने वाले 24 घंटों में पूर्वोत्तर राजस्थान, मध्य प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर भारी के साथ हल्के से मध्यम बारिश की उम्मीद है। विदर्भ, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, तटीय आंध्र प्रदेश, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में मध्यम बारिश की संभावना है और देश के बाकी हिस्सों में बारिश कम होगी। और जिन हिस्सों में जैसा मौसम चल रहा है, जिनका नाम यहाँ नहीं आया है, जिनकी रिपोर्ट यहाँ नहीं बताई गई, उन क्षेत्रों में जैसा मौसम अभी चल रहा है मतलब वैसा ही रहेगा, उनके लिए कुछ नया अपडेट नहीं। तो सतर्क रहे, सावधान रहे, साथ ही हमें जाना कहाँ होगी भारी बारिश, जहाँ के लोग सावधान रहे, नहीं तो हो सकता है कि वो परेशानी में पड़ सकते हैं व अपने जान मन का नुकसान कर सकते हैं। अगली अपडेट है दोस्तों आपके लिए, केरल में बारिश का कहर, इतिहास में पहली बार एक साथ खोले गए 24 बांधों के गेट। दोस्तों नई दिल्ली से खबर आ रही है, केरल में बारिश का कहर जारी है, नदियों के उफान पर होने के कारण राज्य के 24 बांधों के गेट एक साथ खोलने पड़े हैं। ऐसा राज्य के इतिहास में पहली बार हुआ है। केरल में भारी बारिश और भूस्खलन से 24 घंटों के दौरान 26 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने वाली उड़ानों को 2 घंटे तक नहीं उतरने दिया गया। पिछले 2 दिनों में 10,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है। वहीं पीएम मोदी ने वहां के सीएम पी विजयन को बात की है और स्थिति का जायजा लिया है। साथ ही पीएम ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। पीएम ने कहा है कि केरल में आई प्राकृतिक आपदा की कड़ी में हम सब वहां के लोगों के साथ खड़े हैं। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक भारी बारिश और भूस्खलन से इडुक्की और मलप्पुरम जिले में 17 लोगों की मौत हुई है। इडुक्की में एक ही परिवार के 5 लोगों की जान गई। राहत और बचाव कार्य में मदद के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की 4 टीमें चेन्नई से केरल भेजी गई है। बेंगलुरु से सेना की टुकड़ी भी भेजी गई है। केंद्र सरकार का एक अंतर मंत्रालयी दल भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहा है। विमानों की लैंडिंग रोकी गई। दोस्तों कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे CRAL के प्रवक्ता ने बताया कि इतिहास के तौर पर गुरुवार दोपहर 1:10 पर एयरपोर्ट पर आने वाले फ्लाइटों को उतरने से रोक दिया गया। दोपहर 3:05 फिर संचालन शुरू किया गया। CIAL परियोर नदी के निकट स्थित है। 26 साल में पहली बार खोले बांध के गेट। दोस्तों बारिश के कारण इडुक्की जलाशय के चिराथुली बांध के गेट 26 साल में पहली बार खोलने पड़े। इसे एशिया का सबसे बड़ा आर्य बांध कहा गया है। गुरुवार सुबह इसे 600 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। पर्यटकों को बांध के नजदीक नहीं जाने की सलाह दी गई। CM ने सेना से मदद मांगी। तो मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बताया कि सेना, नेवी और तटरक्षक बल की मदद मांगी गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की 6 अतिरिक्त कंपनियां भेजने को कहा गया है। राज्य ने केंद्र सरकार से आर्थिक मदद भी मांगी है। 11 अगस्त से होने वाली नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ रद्द कर दी गई है। राहत व बचाव कार्य जारी। दोस्तों एर्नाकुलम जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि पानी छोड़े जाने के कारण इन क्षेत्रों में परेशानी की आशंका को देखते हुए चेरनी कारा और कोमन बाद गाँव में राहत शिविर खोले गए। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि नदी के तट पर रहने वाले लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है।
अधिकारियों ने बताया कि बांध का फाटक 3 बार सुबह 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे खोला गया। जल संग्रहण की अत्यधिक क्षमता तक जल स्तर के पहुंच जाने के बाद सभी फाटकों को 1 मीटर खोल दिए गए। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि हमने सेना, नौसेना, तटरक्षकों और एनडीआरएफ की मदद मांग ली है। 3 टीमें मदद के लिए पहुंच चुकी है, इसके साथ ही 6 अन्य टीमें मदद के लिए आएंगी। मुख्यमंत्री विजयन ने कहा है कि खतरे को देखते हुए नेहरू ट्रॉफी रेस कैंसिल कर दी गई। ये थी अपडेट लेटेस्ट केरल से, जहां पर बाढ़ का तांडव जारी है। अगली अपडेट है आपके लिए अमर उजाला से, शाओमी रेडमी नोट 5 प्रो खरीदने के लिए इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, शाओमी का सबसे ज़्यादा महंगा वाला रेडमी नोट 5 आमतौर पर फ्लैश सेल में फ्लिपकार्ट और MI.com से बिकता है, लेकिन अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आपके पास शानदार मौका है। फ्लिपकार्ट पर 10 अगस्त से चल रहा बिग फ्रीडल सेल इस फ़ोन को बिना फ्लैश सेल के खरीदा जा सकता है। फ्लिपकार्ट की यह सेल 12 अगस्त तक चलेगी। इस सेल में आपको रेडमी नोट 5 प्रो का 4GB रैम और 6GB रैम वाला दोनों वेरिएंट मिलेगा। इसके अलावा Redmi 5A MI स्मार्ट टीवी को ओपन सेल में खरीदा जा सकता है। हालांकि खबर लिखे जाने तक Redmi 5A आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। Redmi Note 5 Pro में ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें एक कैमरा 12 मेगापिक्सल और दूसरा 5 मेगापिक्सल का है। वहीं फ्रंट कैमरा 20 मेगापिक्सल का है। फ़ोन के रियर और फ्रंट दोनों कैमरों के साथ ब्यूटी 4.0 फीचर मिलेगा, जिसकी मदद से आप आसानी से फोटो की शानदार एडिटिंग कर सकेंगे। इस फोन में 5.99 इंच की डिस्प्ले होगी। इसके अलावा फोन में 4000 mAh की बैटरी, एंड्रॉइड नूगट 7.0, फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर होगा। रेडमी नोट 5 प्रो के 4GB और 64GB वेरिएंट की कीमत 14,999 रुपये और 4GB 64GB वेरिएंट की कीमत 16,999 रुपये है। रेडमी नोट 5 प्रो के साथ भी जियो की ओर से 2,200 रुपये का कैशबैक आपको मिल रहा है। तो आप भी जाएँ तो इस साइट पर जाकर यह फ़ोन बुक कर सकते हैं और इस फोन का आनंद ले सकते हैं। अगले अपडेट है आपके लिए इफ्को की फ्रूट प्रोसेसिंग में एंट्री, किसानों की आय दोगुनी करने की पहल। दोस्तों, इफ्को ने पंजाब में ग्रीन फील्ड खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाने के लिए स्पेन के कांगे लेडोस की नवार के साथ साझेदारी की है। इस इकाई पर 325 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को ऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कदम बढ़ाए हैं। उसने पंजाब में ग्रीन फील्ड खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाने के लिए स्पेन के कांगे लेडोस की नवार के साथ साझेदारी की है। इससे विशेष अनुसंधान और विकास केंद्र के जरिए 5,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। स्पेन की कंपनी कांगे लेडोस की नवारा सब्जी, फलों और जड़ी बूटियों और अन्य व्यंजनों से जुड़ा कारोबार करती है। ये कंपनी ग्रीन फील्ड खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए पंजाब के लुधियाना जिले में 325 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। परियोजना के लिए भूमि की पहचान कर ली गई है। दिसंबर तक काम शुरू होने की उम्मीद है। इफ्को के प्रबंधन निदेशक डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण के इस नए क्षेत्र में कदम रखते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रसंस्करण इकाई के लिए सीधे किसानों से उत्पाद लेकर उनकी आय में वृद्धि करना इस संस्था का उद्देश्य है। उदय शंकर ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उतरने किसानों को आलू, मटर समेत अन्य सब्जियों की बिक्री में सहायता मिलेगी। इफ्को खाद्य प्रसंस्करण को पूरे देश में ले जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस परियोजना की बदौलत पंजाब में प्रत्यक्ष रूप से 400 और अप्रत्यक्ष रूप से 5,000 स्थानीय नौकरियाँ पैदा हो गई हैं। पंजाब ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन के CEO रजत अग्रवाल और इफ्को के संयुक्त प्रबंधक निदेशक राकेश कपूर ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं दूसरी तरफ स्पेन की कंपनी की तरफ से कंपनी के महानिदेशक बेरिटो जिमे के हस्ताक्षर भी किए गए हैं। तो अच्छी खबर है किसानों के लिए, उनकी आय दोगुनी हो सकती है क्योंकि इफ्को पूरे देश में इस कंपनी के साथ टाइप करके आगे बढ़ेगा। अगली अपडेट दोस्तों आपके लिए निकल कर आ रही है एस्ट्रोलॉजी से, aajtak.com से। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण इस जो है समय बन रहे दुर्लभ संयोग। दोस्तों, 27 जुलाई को सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण था। अब 11 अगस्त 2008 इनके आज के दिन शनिवार को इस साल का तीसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा। यह सूर्य ग्रहण आंशिक होगा और भारत में दिखाई नहीं देगा। भारत और पड़ोसी देशों में इसका दर्शन नहीं होगा। चूंकि इसका दर्शन नहीं होता, अतः सूतक आदि के नियम लागू नहीं होंगे। सूर्य के विशेष रूप से प्रभावित होने के कारण इसका असर राशियों पर होगा, जो लगभग 15 दिनों तक बना रहेगा। जो थे आज की एस्ट्रोलॉजी अपडेट में जब जानते हैं वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेगी सबके लिए। दोस्तों, उसमें आ रही पहली, सोने में गिरावट का सिलसिला जारी, ये रहा आज का भाव। दोस्तों,
कमजोर वैश्विक रुख के बीच स्थानीय आभूषण कारोबारियों की मांग घटने से शुक्रवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 40 रुपये गिरकर 30,520 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है। सिक्का निर्माता और औद्योगिक इकाइयों का उठाव घटने से चांदी भी 75 रुपये लुढ़ककर 38,895 रुपये प्रति किलोग्राम पर रहे। बाजारी सूत्रों के अनुसार खुदरा विक्रेता और स्थानीय आभूषण कारोबारियों की कमजोर मांग के साथ वैश्विक स्तर पर कमजोर रुख से कीमत धातुओं की कीमतों में गिरावट आई है। तो दोस्तों, सोना हुआ सस्ता या इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप गोल्ड में तो कर सकते हैं। बाकी आप एक बार अपने शहर के या अपने क्षेत्र के भाव चेक कर लें कि वहाँ इस गोल्ड का क्या रेट चल रहा है, इसके बाद इन्वेस्ट करें तो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अब जानते हैं अगली बड़ी अपडेट आपके लिए क्या निकल कर आ रही है। मालदीव भारत के संबंध और बिगड़े, चीन हुआ मजबूत। दोस्तों, भारत के पड़ोसी देशों में चीन की मौजूदगी का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। मालदीव में सैन्य सरकार आने के बाद वहां भारत की मौजूदगी लगातार कम होती गई। मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के चीन का समर्थन हासिल है। यामीन की सरकार ने कहा है कि भारत उनके देश से सैन्य हेलीकॉप्टर और अपने कर्मियों को वापस बुला ले। मालदीव का कहना है कि जून में भारत के साथ करार खत्म हो गया है और वो इसका नवीनीकरण नहीं करना चाहता। हिंद महासागर के देशों में भारत दशकों से सैन्य और नागरिक सुविधाएं प्रदान करता रहा है। अब वो काम चीन ज़्यादा आक्रामक तरीके से कर रहा है और भारत को उन देशों से अपने पैर पीछे खींचने पड़ेंगे। इस साल राष्ट्रपति यामीन ने मालदीव में जब आपातकालीन लगाया था तो भारत ने इसका विरोध किया था। यामीन ने इसे मालदीव के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करा दिया था। अगली अपडेट है दोस्तों आपके लिए, मालदीव के कड़े तेवर को क्यों नहीं संभाल पा रहा है भारत। मालदीव से भारत के उखड़ने के पैर कितने नुकसानदेह। दोस्तों, धीरे धीरे संबंध खत्म होते जा रहे हैं, अब देखते हैं आगे रणनीति क्या होगी। रफाल पर अमित शाह की सफाई। दोस्तों, फ्रांस के खरीदे जा रहे रफाल लड़ाकू विमान में भ्रष्टाचार के आरोप को भारतीय जनता पार्टी प्रमुख अमित शाह ने खारिज कर दिया है। बीजेपी के दो पूर्व नेताओं और वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी ने इस खरीदारी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। अमित शाह ने कहा है कि मनमोहन सिंह की सरकार में जितनी रकम यह डील तय हुई थी उससे कम पैसे में मोदी सरकार ने इस डील को मुकाम तक पहुंचाया है। बुधवार को यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और एक्टिविस्ट वकील प्रशांत भूषण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रफाल डील के भ्रष्टाचार को आरोप को सिरे से नकार दिए थे। अमित शाह की एक और शाह कहीं हुई मात। दोस्तों, अपडेट है आपके लिए, बिहार के स्कूलों में लाउडस्पीकर से प्रार्थना। बिहार सरकार ने प्रदेश के 80,000 स्कूलों में लाउडस्पीकर के दैनिक प्रार्थना कराने का निर्देश दिया है। प्रदेश के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आर के महाजन ने कहा है कि सभी प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक और अन्य विद्यालय जितने भी हैं उन सभी स्कूलों में प्रार्थना सभा लाउडस्पीकर से कराने का फैसला लिया गया है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर अवगत करा दिया गया है। सभी स्कूलों से कहा गया है कि तू ही राम है तू ही रहीम है प्रार्थना का गायन किया जाए। इसके साथ ही राजकीय गीत मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण राज करे, ऐसा परवाज दे मलिक की गगन राज करे गान का निर्देश जारी कर दिया गया है। अगली अपडेट है दोस्तों आपके लिए, मोदी की टिप्पणी पर राज्यसभा से हटाई गई। केंद्र की सत्ताधारी मोदी सरकार को राज्यसभा में असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। राज्यसभा में उपसभापति के पद पर एनडीए उम्मीदवार हरिवंश नारायण सिंह की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया था उसमें से कुछ टिप्पणियां सदन के रिकॉर्ड से हटानी पड़ी है। 9 अगस्त को पीएम ने कांग्रेस उम्मीदवार बी के हरिप्रसाद को लेकर टिप्पणी की थी। पीएम ने कहा था कि उपसभापति के लिए मैदान में दोहरी थे, एक के नाम के पहले बी के था और एक बी के नहीं थे। राष्ट्रीय जनता दल सांसद मनोज झा ने पीएम की इस टिप्पणी को आपत्तिजनक बताते हुए सभापति वेंकैया नायडू से कहा कि इसे सदन के रिकॉर्ड से हटाना जाना चाहिए। नायडू ने इस टिप्पणी को हटाने का फैसला किया, इसे सरकार भी शर्मिंदगी के तौर पर देख रही है। अगली अपडेट है दोस्तों आपके लिए, चीन में मुसलमानों को लेकर विवाद। संयुक्त राष्ट्र की एक मानवाधिकार समिति ने कहा है कि पश्चिमी चीन के शिनजियांग प्रांत में 10 लाख से ज़्यादा विगर मुसलमानों को चरमपंथी विरोधी केंद्र में जबरन रखा गया है। नस्लीय भेदभाव मामले की जांच कराने वाली इस समिति के मुताबिक 20 लाख से ज़्यादा विगर मुसलमानों के राजनीतिक विचारधारा बदलने के लिए भी उन्हें जबरन कई केंद्रों में रखा गया है। मेक्सिको के नवनिर्वाचित वामपंथी राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर ने कहा है कि राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए तैनात मिलिट्री गार्ड्स की जगह निशस्त्र जवानों की नियुक्ति करेंगे जो आम लोगों की मदद करेंगे। जब तक मेक्सिको में राष्ट्रपति की सुरक्षा का काम खास तौर पर प्रशिक्षित 6,000 से ज़्यादा सुरक्षा बलों का एक दस्ता करता आया है। दोस्तों, यदि आज की तमाम बड़ी खबरें जिन पर रहेगी सबके नजर, साथ ही आज का मौसम पूर्वानुमान व आज के अलर्ट, तो यदि आज की 11 अगस्त की सब तमाम अलर्ट खबरें, इसी प्रकार की देश दुनिया की तमाम अलर्ट न्यूज़ प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते इंडिया न्यूज़ को, वो बेल आइकन दबाएं जिससे आपको इसी अपडेट व अलर्ट न्यूज़ मिलती रहे। वीडियो को अपने व्हाट्सअप फेसबुक शेयर अवश्य करें ताकि सभी लोग आज की इन बड़ी खबरों को जान सके। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्ते इंडिया।